तो मतलब पेड़ में जाने की जरूरत नहीं है, छोटा ही पेड़ है तो यहीं से निकालती हूँ मैं। यहीं पे मैंने ये डब्बा रखा है अपने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मित्र नेगी ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, अभी सुबह का टाइम है। और बाकी आज हमारी पूरी टीम जा रही है काफल के लिए। ये देखो, हाई कर दो। हेलो गाइस, काफल खाने आए हैं। दोस्तों आज हमारी पूरी टीम जा रही है काफल के लिए, और वो भी डूंगर वालों के जंगल मेरी डिमांड पे। तो होंगे तो ठीक है, वैसे अभी स्टार्टिंग है, काफल तो मिल ही जाएंगे। और अपने साथ हमने अपना पूरा कोटा ले जा रखा है, ये देखो, खाने के लिए। तो दूर है थोड़ा जंगल, तो भूख लगेगी, तो इसलिए हमने पूरी व्यवस्था करी अपने साथ। फ्रूटी और कुरकुरे ले गए हम अपने साथ। हाँ, ये भी तो लिखा और यहाँ पे हम बैठे थे पानी भरने के लिए, और पानी की बोतल भी हमने भर दी। वैसे वहाँ पानी है लेकिन अपनी व्यवस्था करते हैं। और अब हम भी चलते हैं और देखते हैं काफल मिलते हैं कि नहीं। वैसे वहाँ बहुत सारे काफल होते हैं, पर देखेंगे। और ये रहा मेरा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा भरना है मैंने आज। बाकी 5 लोग हैं हम, मैं, भाभी, 2 भाभी और अक्कू, तनीसा और मैं। अच्छा, तुम भी छे। एक कंडी वाली भी हमारे साथ, अक्कू की मम्मी। पर ये काफल के लिए नहीं आ रहे, ये जा रहे हैं अपने खेत यहीं से, और हम यहीं से उधर जाएंगे जंगल के लिए। मैं खाए बैठी अब रही हूँ। तो दोस्तों पहला स्टेशन हमारा आ गया है, और बहुत तेज गर्मी हो रही, तो यहाँ पे फ्रूटी पीते हैं। और ये देखो पसीने से कैसे हो गया, हालत ख़राब होगी सबकी। हमको तो आदत है हम तीनों को, लेकिन ये 2 नहीं आते हैं, कम कम ही आते हैं। तो शायद पहली बार आ रही। हाँ, ये दोनों भाभी और ये अकूप और ये तो नहीं था ना, वो आ रही। ये दोनों, ये भाभी और अकूप पहली बार आ रहे हैं, तो आज हमने इनको गुमराह करना है। बट विराट जी उनके बाहर दोस्तों फ्रूटी पीते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जंगल पहुंच गए, और बस यहाँ से ऊपर जाना है, और यहीं पे हमको काफल के पेड़ दिख रही है ऊपर पे। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पानी पीते हैं। ये पानी दोस्तों, ये रहे काफल, आपने तो कभी देखा, ये देखो नहीं। और ये मिल गई हमको काफल, तो अब अटैक करते हैं, चलो। तो दोस्तों चलते चलते हम फार्म में पहुंच गए, मतलब ये हमारे गांव के ऊपर है। ये देखो उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, ये पूरा मतलब गवर्नमेंट एरिया है भेड़ पालन का। तो यहाँ से हम इधर को जा रहे हैं अब। तो दोस्तों फाइनली हमको काफल मिल गए, और ये यहाँ पे हो गए हैं, तो मतलब पेड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा ही पेड़ है, तो यहीं से निकालती हूँ मैं। यहीं पे मैंने ये डब्बा रखा है अपना, और यहीं से निकालती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 1:43 हो रहे हैं, और हम काफल निकाल के आ गए, और ऐसी हालत खराब हो गई आज। और हाथ देखो कैसे हो रहे हैं, भूत भूत जैसे हो रहे सारे, ये देखो। और बड़ी मुश्किल से वहाँ से घूम घाम के, और फिर हमारे गांव के जंगल ही हमको काफल मिले, और ये यहाँ पे हमने काफल रखे हैं सारे। एक बार मैं आपको काफल दिखाती हूँ।
तो दोस्तों चलो आप जल्दी जल्दी से घर भागते हैं। और इतने सारे काफल और के ना, सच में मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो हमारे गांव में बहुत सारे काफल, पिंकी भाभी हो दियो दोस्तों, इतने काफल है ना सच में। हमको तो मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा है कि आज हम दिन भर काफल ही निकाले। और ये देखो मतलब अभी कच्चे कच्चे भी बहुत सारे हैं, और इसमें तो कुछ ज्यादा ही बड़े और के काफल। ये देखो मतलब पेड़ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, काफल नीचे आ रखे जमीन पे, उनकी टहनियां मतलब नीचे आ रखी, तो नीचे से निकालने के लिए है। और दोस्तों जिन जिन लोगों को काफल खाना है तो आ जाना हमारे गांव में। बस अपने साथ हम आपको जंगल ला सकते हैं, और निकाल के इतना नहीं दे सकते। तो चलो अब हम जा रहे हैं घर। और काफल देखे तो ये लग रहा है कि यही निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी ये वाला डब्बा और ये पॉलिथीन पूरी भरी है काफल से। तो चलो देखो इतना बड़ा डब्बा है ये देखो दोस्तों कैसे काफल उड़ के। और मतलब पेड़ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे से निकाल सकते हो। ये देखो इधर उधर चारों तरफ अगर कहीं भी नजर जा रही तो बस काफल ही काफल दिख रहे हैं आज। भाभी को लेट हो गई, लेट इसलिए हो गई क्योंकि भाभी की एक छोटी गुल्लू भी है। हाँ दूध पीती है तो थोड़ा दिक्कत है, वरना इधर उधर काफल दिख रहे हैं। तो दोस्तों घर में पहुंच गई, और ये रहे काफल हमने निकाल दिए हैं डब्बे से। और जो डब्बे में थे तो वो ये वाले काफल हैं। ये मैंने तांबे की परात में रखे हैं क्योंकि तांबे की परात में काफल अच्छे रहते हैं। और बाकी अलग से ये थे तो इनको इन्हीं पे रखते हैं, इनको एक थाली पे निकालते हैं क्योंकि पॉलिथीन में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखो इनसे पानी आ रहा है, तो इसको भी अलग करेंगे हम। और बाकी ये रही हमारी काफल की परात, ये देखो। तो दोस्तों आ जाओ इनको अंदर रखते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 8:30 हो रहे हैं, और अभी चाय पानी पी के अभी मैं बस रूम में आई हूँ, और अब खाना बनाने की तैयारी है। मतलब सब्जी तो बन गई, अब रोटी बनाने की तैयारी है। तो चलो मैं भी किचन में जा रही हूँ, अब मेरी मम्मी लोग वहीं पे बैठे हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मौनी बैठे हैं यहाँ पे। तो मौनी ने ही पूरा खाना बनाया है। और बाकी जैसे ही खाना बनता है तो सबसे पहले हमारी किट्टी खाती है, ये देखो खाने पे लगी है। और ये इसकी रोटी है, तो पूरी एक रोटी खाती है ये। और बाकी ये है रोटी, और ये है सब्जी। तो आज मौनी ने टेस्टी पनीर बनाई है, और मौनी के हाथों में तो जादू है मौनी के हाथों में। ये जादू है जादू, ये देखो ये है जादू। ए मौनी हाय तो कर दे, चल आज पहली बार हाय कर दे। हाय कैसे हो? तो दोस्तों देखो मौनी ने इतना टेस्टी खाना बनाया है। तो चलो अब खाना रखते हैं। सबसे पहले अपने पापा के लिए, अब बोला थोड़ा कटोरी छोटी लेके आ। जा है यही बदन लो।